नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ ऐप को बैन करने के बारे में। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चौथी बार चाइनीज़ ऐप पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, 148 दिनों में 247 ऐप्स को बैन कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम 29 जून को 59 ऐप को बंद किया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। इस बार 43 ऐप्स को बैन किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो टिकटॉक का रिप्लेस माने जाने वाला स्नैक वीडियो ऐप्स को भी बैन किया गया है, जो कि सिंगापुर का ऐप्स है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक के बैन होने के बाद लगभग 2 महीने में इसके 5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए थे। तथा चाइनीज़ ऐप कंपनी अलीबाबा के ग्रुप के भी 4 बड़े ऐपों को बंद किया गया है इस बार। तो देखते हैं लिस्ट में कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जिन्हें बंद किया गया है। यहाँ दोस्तों, तो ये लिस्ट है ऐप्स की, जिसमें आपको डेटिंग ऐप्स 14 बंद किए गए हैं और गेमिंग ऐप्स जो कि 8 ऐप्स को ऐसे को बंद किया गया है, और 7 वीडियो एंड एंटरटेनमेंट के ऐप्स है और 6 बिजनेस ऐप्स को भी बंद किया गया है। सोशल ऐप्स है 2 और ई कॉमर्स के 2 ऐप, फाइनेंस के 2 ऐप और मैप्स एंड नेविगेशन के भी 2 ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुरक्षा का खतरा बताते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए इन्हें बैन कर दिया गया है। तो कुल 43 ऐप्स को इस बार बंद किया गया है और ये सिलसिला क्या आगे भी जारी रहेगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।